छेद हो गया तो जो मानव जीवन है वो खतरे में पड़ चुका है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, हम पन्नी कुछ भी खाते हैं, पन्नी फेंक देते हैं, तो उससे जो पृथ्वी का जो वो है संतुलन वो बिगड़ रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और हमारे लिए खतरा पैदा हो रहा है। और इससे क्या होगा कि हो सकता है फ्यूचर में मानव जाति के लिए इतना खतरा पैदा हो जाए कि मानवता अस्तित्व ही मिट जाए। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका एक मिशन था कि स्वच्छ भारत दिन, स्वच्छ भारत में उन्होंने ये कहा था कि जब हम महात्मा गांधी की 2019 में 150वीं जयंती मनाएंगे तो हम भारत को पूर्णतः क्लीन कर देंगे। अब उनका अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में इस पर चर्चा हुई थी कि फिर पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, उसमें दो तरह के देश हैं, एक विकासशील और एक विकसित। तो विकासशील देश कहते हैं विकसित देशों पर अपना वो डाल देते हैं कि ये जो है कार्बन ज्यादा उत्सर्जित कर रहे हैं, जबकि विकासशील देश वो तो पहले कर चुके हैं। तो उसमें भी नरेंद्र मोदी ने यही, प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि हम लोग अपने देश में पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहे हैं, टॉयलेट भी उन्होंने बनाए। तो वो पूरा विश्व को उन्होंने संदेश दिया था कि हर देश अपना कंट्रीब्यूशन दे ताकि हम पर्यावरण बचा सकें। अब हमें क्या करना है, हम भारत के नागरिक हैं, हमारी जो संस्कृति है उसमें कहा गया वसुधैव कुटुंबकम कि हम पूरे विश्व को एक कुटुंब माने, एक परिवार मानते हैं। तो हमारी ज्यादा जिम्मेवारी क्योंकि हमारी संस्कृति है कि पूरे विश्व का पर्यावरण ठीक रहे। इसके लिए क्योंकि एक मिशन है देश का, क्योंकि इसमें हर नागरिक को जुड़ना है। आप हम जब हम सब जुड़ेंगे तो हम एक दिन इस पर्यावरण का जो हमारे ऊपर एक धूप मंडरा रहा है कि कल हमें वो ना ग्रास दे, उसको हम उस पर विजय पा लेंगे। उसके लिए आज जैसे हम आपने दौड़ लगाई, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, हमने साथ साथ प्लास्टिक की भी उठाई क्योंकि जो प्लास्टिक है उसको हमें बिल्कुल खत्म करना है। ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है क्योंकि ये कई सालों तक डिजोल्व नहीं होता, मिट्टी में नहीं मिलता, इसके साथ साथ जो पशु इसको खाते हैं वो मर जाते हैं क्योंकि ये डाइजेस्टिबल है ही नहीं, डिजोल्व होता ही नहीं मिट्टी में। तो इसलिए इसको हमें हटाना है और ये इस मिशन के साथ पूरे देश को जुड़ना है। आप देश के भविष्य निर्माता हो, बच्चे जो होते फिट कैंपेन को आगे ले आओ आगे। हाँ फिट इंडिया don't have